177 क्वेश्चन किए हैं। अच्छा बताइए कि इंग्लिश का लेवल कैसा आ रहा है? ठीक ही था, मतलब कह सकते एवरेज तो था ही। तो बताइए कि जो अटेंडेंस कितनी अंदर है? यार काफी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत। अच्छा बताइए कि जो मैथ्स का लेवल है वो कैसा, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू? बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब कैलकुलेटिव है। बहुत मुश्किल है एक्चुअली मैथ्स का पेपर। ठीक ठीक थैंक यू। आइए और भी कैंडिडेट्स आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या एग्जाम का लेवल रहा है। अभी कैंडिडेट ये एग्जाम दे के आ रहे हैं, एग्जाम दे के आए हैं। सारे के खाली इंग्लिश के 15 छोड़ गए, इंग्लिश के 15 छोड़ गए, यानी 185 किए। अच्छा बताइए इंग्लिश का लेवल कैसा रहा? जो वोकैबुलरी है वो कितने नंबर की पूछी जा रही? वोकैबुलरी सब 10-15। अच्छा कुछ याद है जो एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह पूछा गया हो? रैपिड का पूछ लेंगे। रैपिड का क्या सिनोनिम्स है एंटोनिम्स? सिनोनिम्स सिनोनिम्स। अच्छछा ये बताइए कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग में से कोडिंग डिकोडिंग से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? कोडिंग की कोडिंग के 4-5 तो सर आ ही रहे हैं। 4-5 आ रहे हैं। अच्छा ब्लर रिलेशन से कितने प्रश्न? ब्लर रिलेशन के 4। रिलेशन से डायरेक्शन से कोई प्रश्न था? डायरेक्शन से सर डायरेक्शन का याद है। अच्छा ये बताइए करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है, 21 का या 22 का? सर 20 से ज्यादा है, 21 से एक आए, 22 से एक। कुछ याद है जो पूछा गया? अच्छा बताइए कि जीएस जीएस में हिस्ट्री कोई क्वेश्चन पूछा गया? यस। कुछ याद है अब्दुल खान का क्या नाम था? अब्दुल खान का क्या नाम? अच्छा हुमायूं वगैरह से कोई प्रश्न पूछा गया? हुमायूं से कोई नहीं आया अभी तक। चलिए आइए और भी, धन्यवाद भैया। आइए और भी कैंडिडेट आ रहे हैं। 156 156 कहाँ से? औरैया डिस्ट्रिक्ट। औरैया एग्जाम सॉरी। ये सभी देखिए कैंडिडेट्स डर रहे हैं, कोई बताने को तैयार ही नहीं हो पा रहा है। आइए क्या हाल है भाई? हाँ भाई कितने क्वेश्चन किए? 160 160। कहाँ से? सिकंदरा कंदरा से। अच्छा बताइए कि जो ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न वो कैसा है, मॉडरेट मॉडरेट या मॉडरेट लेवल था? मॉडरेट लेवल। अच्छा मैथ्स का लेवल बताइए, मैथ्स का लेवल मॉडरेट था। अच्छा बताइए प्रॉफिट लॉस वगैरह कितने प्रश्न पूछे जा रहे? 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन। रेशियो क्वेश्चन पूछा गया? हाँ। ये बताइए जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में से कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा? करंट अफेयर पुरानी पूछ रहा था, 2021 के लिए रहा था। अच्छा ये बताइए कि हिस्ट्री से कोई प्रश्न पूछा गया था? हाँ हिस्ट्री से काफी याद है, 5-6 प्रश्न थे। 5-6 कुछ याद है आप लोग? हिस्ट्री में पॉलिटी से याद किया था। ये पॉलिटी से क्या आया था? अप्रस्ता का अंत पूछा गया था। अप्रस्ता का अंत 17 से आया था। अच्छा ये बताइए कि जो मैथ्स है, मैथ्स कह रहे हैं बच्चे काफी कैलकुलेटिव आ रही, तो क्या कहना? मतलब ऐसा बहुत कैलकुलेटिव नहीं कह सकते, जैसे टीसीएस वेंडर है उस हिसाब से नहीं कह सकते। टीसीएस जैसा कराता रहा वैसा ही आ रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं? पैटर्न है भाई साला, थ्री डी से काफी क्वेश्चन थे सर्किल से लेके जो। अच्छा ये बताइए जो सीटिंग अरेंजमेंट सर्कल वाले ज्यादा होंगे? सर्कल का केवल एक ही क्वेश्चन था, 2-3 एक मेज पे बैठाना था और एक वर्गाकार में बैठाना था। वर्गाकार वाले ज्यादा। अच्छा ये बताइए ब्लड रिलेशन से कैसा प्रश्न आ रहा है, वो फोटो वाला आ रहा है या फिर? 2-3 क्वेश्चन थे, सही थे, अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छा ये बताइए कि जो उसमें जीएस है, जीएस में से जो करंट अफेयर का टॉपिक लगभग कितने प्रश्न उससे आ रहे हैं? 10 क्वेश्चन होंगे लगभग। 10 क्वेश्चन होंगे तो मतलब अभी रिसेंटली 2020 से भी कुछ पूछा था शायद, वो स्टैटिक में आ गया होगा। स्टैटिक जीके लगभग कितने नंबर की होगी? पुरानी ऐसे 4-5 क्वेश्चन पुराने थे। 4-5 क्वेश्चन पुराने। अच्छा इंग्लिश में जो एक क्लोज टेस्ट आया होगा वो किस पे आधारित था? इंग्लिश सबसे इजी थी आज की जो थी, कंट्री था उसके ऊपर दिया गया। किस कंट्री से रिलेटेड? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दिया गया, ऊपर मतलब दिया गया था, मतलब एक वेल होती है ना मछली, उसके ऊपर था, वेल मछली के ऊपर यानी फिश के ऊपर आया हुआ था। अच्छा ये बताइए कि 25 में से आपको लगभग कितने क्वेश्चन आपने किए होंगे? 50 से मेरे तो सारे ही हो गए, 49। अच्छा एंटोनिम्स जो और सिनोनिम्स आइटम्स फ्रेज मिला सारा कुछ एकदम इजी। अच्छा इरर्स कहाँ से पूछा गया? इरर से भी भाई ग्रामर था, ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा। अच्छा पीक्यूआरएस पूछा गया? पूछा गया था पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस है क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था। नाउन वगैरह से कोई प्रश्न था? नाउन नहीं था, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एक क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि जो एवरीडे करके क्वेश्चन था उसमें जो था। अच्छा स्पेलिंग इरर, स्पेलिंग 3 क्वेश्चन थे। अच्छा जंबल वर्ड वगैरह आ रहा है? एग्जाम्पल वर्ड मैंने नहीं देखा। जंबल नहीं आया था इसमें, एक होगा जैसा कि सेम उसी तरह से वर्ड मैच करना होगा, एक ऐसा नहीं। सिनोनिम्स आए थे, सिनोनिम्स आए थे ना। अच्छा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ओवरऑल किस लेवल अच्छा था? रीजनिंग का लेवल अच्छा, मतलब कैसा टाइम टेकिंग है कि या फिर मतलब बिल्कुल? अच्छा बताइए जब आप गए तो कंप्यूटर पे सबसे पहले जो कौन सा प्रश्न बताया था रीजनिंग का, मैथ का आया था? रीजनिंग के बाद किसका? रीजनिंग के बाद इसके बाद आया था वो जीएस का, जीएस के बाद मैथ आया था, अपने टाइम मैथ के बाद फिर से इंग्लिश आया था। अच्छा सेक्शनल नहीं है, मतलब सेक्शनल नहीं होता, आप जिसको पहले करना चाहे वही कर सकते हैं। आप जो प्रेफरेंस देते हैं ना, जैसे मार्क्स सेव करते वैसे कर सकते हैं। अच्छा ओवरऑल जो अटेंडेंस अंदर कितनी रही होगी? अटेंडेंस सर आप 70% कह सकते हैं। 70% अटेंडेंस रही होगी लगभग, काफी ज्यादा कैंडिडेट्स एग्जाम देने आए हुए हैं।
तो उसके बाद अगर उसकी बात करें कंप्यूटर वगैरह से क्या कोई प्रश्न था, साइंस से कोई प्रश्न था, साइंस से था, बायो से कोई था, बायो से था, एक बैक्टीरिया करके था, बैक्टीरिया से रिलेटेड। बैक्टीरिया मतलब ये होता है ना कि किसी को कन्वर्ट करता है तो वो क्या उसकी सेगमेंटेशन कहलाता है। जो अभी नेक्स्ट कैंडिडेट एग्जाम देने जाने वाले हैं उनके उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह से वो जाएं और अपना समय बचाएं? मतलब अध्ययन करने से कोई रिलेटेड था उसमें, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है ऐसा कोई प्रश्न आया, एंटोमोलॉजी का जैसे आंसर है, जैसे होमो सेपियंस वगैरह। हाँ अच्छा, जो अभी न्यू कैंडिडेट जाने वाले एग्जाम देने के लिए उनके लिए क्या प्रेफर करें, किस तरह से? यही है कि अपना बड़बड़ाए नहीं, सही से आराम से एग्जाम दे जाके और फार्मूला वगैरह एडवांस के सारे। मेंसुरेशन से कितने प्रश्न? मेंसुरेशन से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन देखने को, 6 से 7 प्रश्न। और उसमें किसके आ रहे हैं, जनगणना से कोई प्रश्न आया था? जनगणना से 2001 की जनगणना से, जनगणना से एक आया था क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से कोई एक क्वेश्चन आया था, पंचवर्षीय योजना से एक आया था क्वेश्चन, क्या कृषि उत्पादन जो था कौन सी पंचवर्षीय योजना में, कृषि उत्पादन किस पंचवर्षीय योजना में शामिल, औद्योगिक, औद्योगिक। चलिए अभी अच्छा ये बताइए कि जो आप बताइए भैया अंदर जो अभी जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए क्या बताएंगे कि वो समय बचाकर जो एग्जाम है वो टाइम से कर पाए, तो किस तरह से वो करें जैसे आपने किया? मैंने ऐसा किया मतलब कि वो जो मैथ में जो क्वेश्चन है उसे पहले करें, जो ना है उन्हें छोड़ दें, स्किप करते जाएं, इसके साथ अपना टाइम बचा सकते हैं वो बस। जो मतलब क्वेश्चन ना छोड़ते जाएं और अपना टाइम बचा सकते हैं। कहाँ से आए सर? सिकंदरा से। और ये सिकंदरा से काफ़ी दूर से आए भैया। अच्छा तो ये गांधी युग से कोई प्रश्न था? गांधी युग से कोई नहीं से रिलेटेड स्पेसिफिक कोई। अच्छा ये बताइए जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से कोई प्रश्न पूछा गया? हाँ आर्थिक व्यवस्था, जीडीपी वगैरह से कोई? हाँ रेपो रेट करके, उसमें रेपो रेट करके आया था। अच्छा कोई डांस पूछा गया, कोई त्योहार? हाँ त्योहार वगैरह पूछे गए थे। पूछा गया था असम का व्यू, पूछा गया व्यू, पूछा गया असम का, टेक्निकल घुमा के दिया था उसमें। अच्छा क्या पूछा गया था कि मतलब किस महीने में मनाया जाता है, जो है किस महीने में मनाया गया होगा, तो ऑप्शन क्या क्या थे याद है कुछ? अप्रैल था, अगस्त था, मई था। बिहू जो है वो किस महीने में मनाया जाता है असम में? अच्छा अच्छा ये बताइए आर्टिकल में कौन कौन सा आर्टिकल 17 पूछा गया था? आप 17 51A में वही मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड फंडामेंटल फंडामेंटल राइट से। अच्छा ये बताइए कि ऑथर कोई बुक की जैसे पिछली शिफ्ट में 5 बुकें लगभग पूछी गई थी, अभी एक पूछी गई थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा, रस्किन बॉन्ड, हाँ तो उनकी जगह 4 जो बुकें उन्होंने लिखी ना तो ऑप्शन दिए थे कि मिडनाइट चिल्ड्रन, उसमें एक उन्होंने कौन नहीं लिखी, जैसे फर्स्ट वाले में ट्रेन टू पाकिस्तान करके पूछी गई थी है ना, इसमें कोई बुक नहीं पूछी गई। खेल से कोई प्रश्न था भैया? खेल से ट्रॉफी कोई पुरस्कार? खेल से था, ये पूछा गया था जो पैरा ओलंपिक जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, पैरा ओलंपिक से प्रश्न आया होगा। ये था कि जो क्रिकेट की जो सबसे न्यूनतम जो ट्रॉफी होती है, जो पहला खेल होता है वो किस ट्रॉफी, क्रिकेट की जो सबसे स्टार्टिंग जो होती है किस ट्रॉफी है या कोई भी है ऐसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी वगैरह करके पूछा गया। भारत भारत में जो मतलब जो अपना भारत है यहाँ पर मतलब अपनी भूमि पर कौन सी ट्रॉफी खेली जाती है, कौन सी भारत में कौन सी ट्रॉफी जैसे एशिया कप वगैरह हो गया ऐसे करके, यहाँ पे कौन सी ट्रॉफी अपनी मतलब अपनी भूमि पर कौन सी खेलते हैं, लोकल होती है ना जैसे दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, जो अपने भारत में ही केवल होती है एशिया तो। अच्छा जो सिर्फ भारत उस मैच को कंडक्ट कराता है, जो लोकल ट्रॉफी होती है उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, स्टेट वर्सेस स्टेट पूछा गया था। जीएस का तो पैटर्न आपको ओवरऑल कैसा लगा? सही था, मॉडरेट था, आप जी से मॉडरेट कह सकते हैं, जीएस का लेवल सही था। हाँ मॉडरेट, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का लेवल, मैथ्स भी ठीक था, मॉडरेट ही थे सारा पेपर, मॉडरेट तैयारी कर रहा है उसके लिए सही बढ़िया है, बढ़िया। बस ये है कि टाइम मैनेजमेंट, तैयारी कहाँ करते हैं? मैंने थोड़ी सेल्फ सेवी की है और कुछ कोचिंग ऑनलाइन वगैरह। हाँ ऑनलाइन भी। किस चैनल पर? ऑनलाइन तो अभिनय सर को फॉलो किया है जिस मैथ के लिए, अभिनय शर्मा सर। अभिनय शर्मा किस चैनल? अभिनय मैथ सुना उनके अभिनय करके। आपके चैनल पर? मैं 2 चैनल पर पढ़ता हूँ, एग्जाम पर और कैरियर विल दोनों। एग्जाम पर में किससे पढ़ते? एग्जाम पर में तो बहुत सारे टीचर हैं उनसे पढ़ता हूँ, अभिनंदन सर से मैथ पढ़ता हूँ। अभिनंदन सर हाँ जानते हैं जी, और उनसे भी पढ़ लेता हूँ, गगन प्रताप सर से मैथ पढ़ लेता हूँ। गगन प्रताप, अच्छा जो कैरियर विल में है अभी एसएससी सीजीएल का टायर फर्स्ट में अभी टॉप किया, उन्हीं से मैंने पढ़ा है कैरियर विल पे। अच्छा ये बताइए कि जो टेस्ट कौन सा टेस्ट पेपर सॉल्व करते थे? टेस्ट बुक से पढ़ते थे। टेस्ट बुक का कुछ मिला इसमें अगर क्वेश्चन करने का? टेस्ट बुक से आता है पैटर्न, वैसे लेटेस्ट क्वेश्चन फंस रहा है। हाँ वैसे ही आ रहा है पैटर्न, वैसे ही है जैसे टेस्ट बुक बनाते हैं वैसे ही आ रहा है। अच्छा बताइए कि एग्जाम पुर से जो उनसे पढ़ रहे थे तो उनका पढ़ाया हुआ कुछ आया? अभिनंदन शायद वो मैथ्स पढ़ाते हैं। हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी क्लास सुपर 30 जलती है उससे आया है। कितने क्वेश्चन लगभग आए? सुपर 30 से जितना पढ़ाते हैं, अर्थमेटिक लगभग फंसा ही था। मैथ्स में से कितने क्वेश्चन आपको लगा होगा कि ये टफ हो सकता? 4 से 5 क्वेश्चन थे, मैंने छोड़े भी 45 के आसपास। पेपर का लेवल है इजी टू मॉडरेट रहा है, पेपर का जो लेवल है पूरा इजी टू मॉडरेट रहा है। धन्यवाद भैया। चलिए
बताएंगे, देने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट हैं वो इन स्टेप्स को फॉलो करके एग्जाम सेंटर आएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, SSC का हो, एयरफोर्स का हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, आप A1 क्लासेस सब्सक्राइब करिए।